दोस्तों कुछ दिन पहले ये वाली फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में श्रीराम प्रभु वाला टी शर्ट पे आपके नाम के साथ ये वाली फोटो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत ज्यादा अभी के टाइम में वायरल हो रही है। अगर इस तरह का इमेज पे, इस तरह का फोटोज पे अगर आप रील बनाते हैं तो बहुत तेजी से वायरल होगा और बहुत तेजी से आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। इसको क्रिएट करने के लिए दोस्तों प्ले स्टोर से आपको बिंग नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते, इस तरह का एप्लीकेशन है, अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर, ठीक है। बिंग इमेज क्रिएटर सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। पहली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर फर्स्ट बार इस पेज पे आए हैं, इस वेबसाइट पे आए हैं, तो आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। आईडी क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल आईडी डालनी है और आपको पासवर्ड जनरेट कर लेनी है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी, बहुत आसान है दोस्तों, दो स्टेप में आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है, प्रॉम्प्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। वहां से कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, वहां पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, ऐसे ही आपको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसमें आपको चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है, यहाँ पे योर नेम लिखा है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना, जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको नाम लिख लेना है। ऊपर एक जगह और आपको नाम लिखना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा योर नेम, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे योर नेम है, यहाँ पे भी आपको अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। अब नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे तीन चार फोटो आपको जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चार फोटो जनरेट करके दे दिया है, इसको आपको रिव्यू करना है तो फोटो पे क्लिक करिए। यहाँ पे दोस्तों बारी बारी स्क्रॉल करके इस फोटो को आप रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों फोटो पसंद आए तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर फोटो न पसंद आए तो यहाँ से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पे दोबारा आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, दोबारा क्रिएट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और नया और अलग फोटो आपको जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उससे अलग और नया फोटो जनरेट करके दे दिया है, तो इस पे क्लिक करके इसको रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बारी बारी आप जितना डाउनलोड करना चाहते हैं, जितना है उसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरह से वायरल 3D फोटो जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।